हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज यूपी ट्रिपल एससी जेई का चल रहा है लगातार क्लासेज। दोस्तों, जिसका अब तक हम लोगों ने बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को डील कर लिए हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे मास्टर वीडियो को लेकर के। तो आखिरकार दोस्तों, कंप्यूटर का फाइनल फुल एंड फाइनल मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मास्टर वीडियो यूपी ट्रिपल एससी जेई का चौथा है। ऑलरेडी 3 मास्टर वीडियो सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करा दिया गया है। जो इससे पहले वाले मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज जो दोस्तों कंप्यूटर का फुल पैकेज मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, लगभग इसमें 250 एमसीक्यू क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये आपको यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ यूपी का जितने भी एग्जाम होने वाले सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये एक तरह का रिविजन क्लासेस के रूप में आप लोग को होगा। ठीक है, इस वीडियो को टिल लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो नया स्टूडेंट है उन लोगों को बता दूं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार क्लासेस 8 PM में इवनिंग में हो रहा है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जेई का। वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस का पीडीएफ के लिए स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम वेबसाइट पर विजिट करना होगा और वहां से फ्री में क्लासेस का पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, और एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आया है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का इस चैनल पे बेहतरीन तरीका से क्लासेस करवाया जा रहा था दोस्तों, जिसका सबसे बढ़िया फीडबैक यहाँ पे दिखने को मिला है। स्टूडेंट लगातार यहाँ पे कमेंट किए जा रहे हैं, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। मेरा जो यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में जाने पे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार पोस्ट डाला था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं ये मोनोफरे लाल अली है, इनका भी पूरा सपोर्ट रहा है दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। इनका भी सिलेक्शन हो चुका है स्टडी इंडिया अड्डा चैनल के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पे भी लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। मैं एक फीडबैक और दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे लगातार कमेंट किए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से जा करके फीडबैक को देख सकते हैं किस तरीका से जो है नॉनटेक पार्ट को आरआरबी के लिए जो है प्रोवाइड कराया जा रहा था। देख सकते हैं इनका भी सिलेक्शन हो गया, जितेंद्र पाल मंडल जी का। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन सीरीज बहुत काम आया, जिसमें जो है सिलेक्शन इनका भी हो गया। देख सकते हैं सभी यहाँ पे, आकाश यादव जी, जय हिंद जी एंड शुभम जमालिया जी, सौरभ जी एंड थंग अग्रवाल जी, दीक्षा झा, रिशु कुमार, दीपक झा एंड शिव कुमार यादव, गुरप्रीत सिंह, दिव्यांशु सिंह, ये सभी का सिलेक्शन स्टडी इंडिया अड्डा टीम के द्वारा, स्टडी इंडिया अड्डा का जो क्लासेस चलाया जा रहा था दोस्तों, उस क्लासेस का फायदा से इन लोगों को दोस्तों बहुत बेनिफिट हुआ है। और इन लोगों का सिलेक्शन आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया है। और भी वीडियो को कमेंट सेक्शन में बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग को भी ध्यान में हो जाना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाता है वो सिलेक्टेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इसलिए डेली हैबिट बनाइए कि आप लोगों को डेली 8 PM में क्लासेस प्रोवाइड हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू रहें। ठीक है, और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके दोस्तों। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और साथ साथ में कमेंट करते चलेगा। सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, उस चीज को आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो आपका ये प्रिंटर दिख रहा है ना, ऑप्शन बी, ये प्रिंटर इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कैसे आउटपुट डिवाइस है बता दूं, यहाँ पे इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक जो इंस्ट्रूमेंट होती है दोस्तों, जो डेटा के अनुदेश को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टचपैड, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। The peripheral device of a basic computer system does not include the, किस चीज को include नहीं करता वो आपको बताना है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की peripheral device से
में यह शामिल नहीं होता। क्या शामिल नहीं होता? वो होता है दोस्तों वहां पे कोई सीपीयू शामिल नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि सीपीयू की बाहरी रूप से जुड़ने वाले जो डिवाइस होती है दोस्तों, उसको पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी जो है आपका मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू के भाग है जो सीपीयू में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर जो है वहां से सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका अगर कहीं कहीं हार्ड डिस्क, सीपीयू, ये सब जो दिख जाएगा, मदरबोर्ड, ये सब जो होते हैं दोस्तों कंप्यूटर सीपीयू का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पेरिफेरल डिवाइसेस में शामिल नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डी यानी सीपीयू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए। सभी लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे इनपुट डिवाइस दोस्तों माउस भी हो जाएगा, कीबोर्ड भी हो जाएगा, स्कैनर भी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए माउस ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जांपल ऑफ, माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्न में से किसका उदाहरण है? आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये सभी क्या है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करके गलत लगा देते हैं। ये सभी क्या है? माउस जो हो गया, ट्रैकबॉल जो हो गया, जॉयस्टिक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। देख सकते हैं ये जो माउस है, यहाँ पर पेन सेलेक्ट किया गया है, लेकिन ये सभी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, उसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और कहीं कहीं माउस एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। और जीयूआई जो है आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसके लिए जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग के लिए इसका बड़ा ही महत्व होता है, रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कीबोर्ड इज यूज, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। वैसे आप लोग सभी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे दोस्तों कीबोर्ड जो है टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर, कीबोर्ड का प्रयोग शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर की कमांड को देने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफायर की इन एन आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर, कहने का मतलब आईबीएम एक समदर्शी कंप्यूटर में से इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? वो है आपका टैब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मॉडिफायर के बारे में ऑलरेडी बताया था दोस्तों कि आईबीएम समदर्शी कंप्यूटर जो है कंट्रोल, शिफ्ट और विंडो की जो है मॉडिफायर की होती है। कौन कौन? कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड विंडो की जो होती है, ये सभी मॉडिफायर की होती है, लेकिन टैब जो है मॉडिफायर की नहीं है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ माउस यूजर ए लेजर ऑफ डिटेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द माउस, इनमें में से माउस को कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करती है? उस श्रेणी का नाम आपको कमेंट करना है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, चाहे वो कुछ क्वेश्चन का आंसर में कंफ्यूज भी है, फिर भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी आप सीख पाइएगा। लॉन्ग समय के लिए याद होता है, जीके जीएस ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं दोस्त, तो वो सभी के लिए आप लोग को कमेंट करना, किसी के साथ शेयर करना क्वेश्चन को, उससे ज्यादा याद होता है, ठीक है, टॉकिंग जो होता है वो। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। एट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैसे दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। और आपको बता दें कि ऑप्टिकल माउस जो होती है दोस्तों, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर एलईडी ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का भी ये वर्क करती है, ठीक है। उसमें देखते हैं कि लेजर की तरफ जो है लाइट जलता है, ठीक है, माउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू एंटर हैंड रिटन सिग्नेचर, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसका नाम है दोस्तों ग्राफिक टैबलेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ग्राफिक टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है और जिसका प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षर को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन पे आप लोग मोहन कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है, आप अपने तरीका से एफर्ट कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। 10th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैनर। ठीक है दोस्तों, ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के तुरंत बाद ही रिजल्ट देता है या प्रदर्शित करता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। जबकि स्कैनर यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट या चित्र को जो है डिजिटल रूप में परिवर्तन करके सीपीयू को डाटा जो है प्रयोग करती है, उपयोग करती है, और वहां पे सीपीयू के द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट युक्ति नहीं है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी। इनपुट आउटपुट का मैं ऑलरेडी बताया हूँ, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट में आ जाएगा कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन, ये सभी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, मॉनिटर इज एन, मॉनिटर क्या होता है। चलो कमेंट कीजिएगा, मॉनिटर की बात हो रहा है दोस्तों, वो मॉनिटर क्या है, इनपुट है या आउटपुट है या स्टोरेज है, क्या है, चलो कमेंट कीजिएगा। बहुत बारी करवाया गया मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन पे, प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। प्रिंटर मैं ऑलरेडी भी बताया हूं, प्रिंटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन एक उचित प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, वो है आपका इनपुट इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज ना होइएगा, इंकजेट प्रिंटर करेक्ट आंसर होगा। अब आइए कुछ हम लोग जो है नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों नंबर सिस्टम का ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड नंबर, नॉट ए वैलिड नंबर की बात, और वैलिड बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर आपको क्या होता है ये सभी जानकारी होना चाहिए, बहुत बार करवाया गया है। निम्न में से कौन सी नंबर बाइनरी संख्या नहीं है, तो दोस्तों जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें जीरो और वन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ये आपका बाइनरी हो गया, ये बाइनरी हो गया, ये बाइनरी आपका नहीं है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ दो जो दिया है ये बाइनरी का इंडिकेशन नहीं है, बाइनरी का इंडिकेशन सिर्फ वन एंड जीरो से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 16 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 101 टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी आप लोगों को कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी आप लोगों को कन्वर्ट करना है। सभी जो है इस चैनल पे अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप लोगों को ये आइडिया होगा, सभी कन्वर्जन आपको करवाया गया है। क्या करना है दोस्तों, डेसिमल नंबर आपको कितना दे रखा है, 101 दे रखा है, आपको इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसका बहुत तरीके प्रोसेस में बताया था, एक सिंपल प्रोसेस बताया था बीसीडी कोड से द्वारा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दो से डिवाइड करके इससे कर सकते हैं, दो यानी 50, दो यानी 100 हो गया, इसको फिर से दो कीजिए, 50 दो 100 कैरी क्या आ गया, वन आ गया, दो से कीजिए तो 25 मरतबे कट जाएगा, कैरी यहाँ क्या आएगा, 25 दूनी 50 जीरो आ जाएगा ना, फिर दो से कीजिएगा तो क्या हो गया, 12 आएगा, 12 दूनी 24, कैरी क्या आएगा आपका, वन आएगा, फिर दो से कीजिएगा 6 आ गया, कैरी क्या आ गया, जीरो आ गया, फिर दो से कीजिएगा दो तीय 6, दो तीय 6 कैरी यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और फिर दो से कीजिएगा तो क्या होगा, फिर दो से कीजिएगा दो एकम दो यानी एक आ रहा है, और कैरी भी आपका एक ही आ रहा है। ठीक है, कैरी भी एक आ रहा है, तो और इसका लिखने का प्रोसेस मैं बताया था, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना होगा, ऊपर से नीचे भी कोई कोई कर देते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो वैसे इसका जो हो जाएगा दोस्तों 101, इसका बेस क्या है, 10 है, यहाँ पे जो है पॉइंटर काम नहीं कर रहा सही से, 101 बेस 10 है दोस्तों। तो इसका जो है बाइनरी में जो आया आपका आंसर क्या आ गया, 110001 यानी 110001, ए आपका जो है आया आपका बेस 2 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195.5, 195.5 का द्विआधाती प्रतिनिधित्व क्या है, यानी वाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका वाइनरी रिप्रेजेंटेशन सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा। वैसे जो आपका 195 195 का जो है इसको निकाल लीजिए पहले, जिस जो प्रोसेस में अभी बताया था, डिवाइड करके दो से कीजिएगा तो क्या आएगा, 97 मर्तबे आएगा दोस्तों, 97 7 14 कैरी वन आ गया, और दो से कीजिएगा 97 मर्तबे एक जो है 194 हो रहा है तो ये हो गया, और 48 2 96 48 मर्तबे हो रहा है, 48 मर्तबे हो रहा है यानी 96 वो कैरी भी यहाँ पे वन आ रहा है, फिर दो से कीजिएगा 24 2 48 हो रहा है, तो दो से यहाँ से कीजिएगा 24 2 48 हो रहा है तो यहाँ पे कैरी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, फिर दो से कीजिएगा तो 12 होगा, कैरी आपका क्या होगा, जीरो होगा, फिर दो से कीजिएगा तो 6 होगा, कैरी आपका यहाँ पे कैरी आपका क्या आएगा, कैरी आएगा आपको 6 6 2 12 जीरो आ गया, ठीक है। उसी तरीका से इसको कीजिए, दो को कीजिए यहाँ पे 6 है ना, तो 2 3 6 3 आ गया, कैरी जीरो आ गया, फिर दो से कीजिए 2 1 2 कैरी वन आ गया, कुछ इस तरीका से आपको कन्वर्जन आपको निकालने के लिए बताया था, तो ये आपका तो हो गया 195 का, ठीक है 195 का, तो 195 का जब ये आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, 195 का क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है उसको रहने दीजिए पहले, 0.5 को अब हम लोग देख लेते हैं, 0.5 का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी 5 2 10 यानी 1.0, ध्यान से देखिए 1.0 यहाँ पे 1.0 यहाँ पे आएगा, ठीक है 1.0 आ रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पे 1 यहाँ से लिया जाएगा, तो इसको सजाने के लिए कुछ प्रोसेस नहीं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था तो आपके हम लोग को क्या आ गया, 1 1 4 टाइम 0 आ गया ना, 1 2 3 4 फोर टाइम जीरो आ गया, 1 1 4 टाइम 0 11 आ जाएगा, एक और शून्य यहाँ पे आएगा, और पॉइंट में क्या आएगा 1 आ गया, कुछ इस तरीका का आंसर आपको दिखने को मिलेगा, तो आपका 1 एंड 0 है ना, 1 और 0 आ गया, तो यहाँ इसका बेस 2 आ गया, तो कौन से होगा आपका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये मैं एक बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे ये पूरा डिटेल में आपको देखना हो तो आरआरबी जेई का जो मैं क्लास आपको करवाया था उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, द सेकंड कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाइनरी नंबर, ये आपका वाइनरी नंबर दिया गया है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वाइनरी नंबर एक गिवन है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, जो आपका गिवन क्या है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जिसको मैं 1 ऐड कर दीजिए तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो क्या है यहाँ पे जो है इसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा आपको इसको, तो क्या आएगा, जस्ट इसका अपोजिट करना होता है, तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 0 होता है, तो सभी 1 है तो कै गो 1 है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 टाइम्स 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 को ऐड कर देना पड़ेगा, 1 ऐड कर दिए तो क्या आ गया, 1 आ गया, बाकी सभी एज इट इज हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, ये आपका जो आएगा वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो किस में गिवन है, आपका सी में गिवन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आया तो आपको क्या करना है, जो गिवन रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा, उसको जो है आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, वंस कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब उसका जस्ट अपोजिट कीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सभी टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाता है दोस्तों इस चैनल पे, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 इज, डेसिमल नंबर का ग्रे कोड निकालना है, जो 2 है इसका ग्रे कोड निकालना है आपको। ग्रे कोड निकालने के लिए हमको जो ऑलरेडी बता दिया था क्या करना पड़ेगा, इसको जो है आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 8421 होता है, 2 यहाँ पे गिवन, बाकी एज इट इज होता है 0, यानी आपको बाइनरी क्या आ गया 2 का 0010 आ गया, 2 का बाइनरी क्या आ गया 0010 आ गया, तो ग्रे कोड जो होता है दोस्तों 0010 में जो है यहाँ पे
यहाँ पे तो ये जो जो आ गया, तो ये जो शून्य है एज इट इज लिखा जाता है शून्य, और इसको इसके साथ ऐड करना होता है, ठीक है, फिर इसको इसके साथ ऐड करना होता है, फिर इसको इसके साथ ऐड करना होता है। तो जीरो तो एज इट इज लिखा गया, जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो प्लस वन क्या हो गया, वन हो गया, वन प्लस जीरो क्या हो गया, वन हो गया। यानी कहने का मतलब ये आपका जो आएगा वो आपका ग्रे कोड में आएगा। तो ग्रे कोड इसका क्या हम लोग को आ गया, ऑप्शन सी यानी 0010 आ गया। जो दिया हुआ रहेगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो एज इट इज फर्स्ट लेटर को एज इट इज लिखना है, उसके बाद सेकंड लेटर और फर्स्ट लेटर को ऐड करके सेकंड डिजिट लिखना है। उसी तरीका से जो है नेक्स्ट एंड लास्ट को ऐड करते हुए करना, फर्स्ट एंड नेक्स्ट एंड बैक को ऐड करते हुए। तो कुछ इस तरीका से आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन है। द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195.25 इज, इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 195 को जो है हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्टल यानी 8 से डिवाइड कर दीजिए फटाफट। 8 से क्या हो गया, 24 अठे 8 को 32, 8 को 32 92। हाँ, यानी कहने का मतलब 24 मरतबे ये कट रहा है दोस्तों, तो 24 मरतबे कट रहा है, तो 8 को 32 5 में से 2 हो गया 3, यानी 3 कैरी आ रहा है। इसको कीजिएगा 8 से, तो क्या आ गया, 18 की 24 होता है, कैरी आ गया 0 आ गया। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखना होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा तो क्या आ गया इसका 303 आ गया, ठीक है। इसका सिर्फ आया, लेकिन 0.25 को भी हम लोग को निकालना है। 0.25 को निकालने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 अट्ठी क्या होता है, 25 चौके 100 यानी 25 अट्ठी 200 हो गया 2.00 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, पॉइंट के पहले वाला लिखाता है। और 0.00 में भी अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं शून्य ही होगा, तो यहाँ से आप लोग को क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग को पूरा अगर प्रोसेस में लिखेंगे एक एज एक फॉर्मेट में 195.25, ये क्या है आपका, हाँ ऑक्टल है और डेसिमल है, तो डेसिमल में यहाँ पे लिख दिए ऑक्टल, हम लोग को क्या आ गया 303.,  20 आ गया, 20 ये आप लोग का हम लोग को आ गया ऑक्टल यानी 8 में आ गया। एक कंप्लीट प्रोसेस हुआ, फॉर्मेट हुआ लिखने का, जो कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया हेक्सा डेसिमल का। सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया गया है। द हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 125.25 इज, 125 को पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 125 जो गिवन है 125 को कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, सभी लोग कमेंट कन्वर्ट कीजिएगा। 16 से डिवाइड करना होगा ना, 16 से, तो 16 यानी 16 से बोले उत्तल से यानी 7 मरतबे तो कट जाएगा ना, 7 मरतबे हो गया, तो 16 कैरी क्या आ गया, 8 में से 3 7 3 2 यानी 13 आ गया, ठीक है। इसको फिर 16 से कीजिएगा तो क्या हो गया, 16 से कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 16 से तो ऐसे होगा ही नहीं, इसको एज इट इज रहने दीजिए। नीचे से ऊपर की ओर लिखाएगा तो क्या हो गया, 7 और 13 आ गया, यहाँ पे 7 और 13 आ गया। 0.25 को हम लोग करना है, 0.25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 4.00, यहाँ पे हम लोग को कैरी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको जो कंप्लीट प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे, और हम लोग ये जानते हैं हेक्सा डेसिमल का कि जो है यहाँ पे 13 का क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है, 14 को ई लिखा जाता है, 15 को एफ लिखा जाता है, ऐसे ही सब प्रोसेस है, मैं ऑलरेडी बताया था। तो इसको लिखने का प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोसेस होगा दोस्तों 125.25, ये आपका क्या है, डेसिमल में है, ठीक है। इसको हम लोग हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए तो 7, तो 7 एज इट इज हो जाएगा, 13 को हम लोग डी लिखते हैं तो डी हो जाएगा 0.40, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, 16 बेस होगा हेक्सा डेसिमल में, जो कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मनी केवी इज इक्वल टू 1 GB, हाउ मनी केवी इज इक्वल टू 1 GB, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी कन्वर्जन करवाया गया, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 MB बराबर आपका होता है 1024 KB होता है, सभी को पता होना चाहिए। और 1024 MB बराबर होता है 1 GB होता है, और 1 GB बराबर क्या हो गया, 1024 × 1024 जो हो गया वो केवी होगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 1 MB इज इक्वल टू क्या होता है, 1 MB इज इक्वल टू सभी को पता होता है 1024 KB होता है, इसमें कोई
कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजिए, 39 नंबर क्वेश्चन भेजिए। 1 GB इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 GB जो होता है, GB जो होता है दोस्तों, वो 10^9 बाइट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या लिखेंगे, 1 GB बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना 1024 MB लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग साइंटिफिक में कैलकुलेट करेंगे तो 10^9 ही लिखाएगा, जो कि आपका बाइट में आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए वर्ड लेंथ इज, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, किसी भी शब्द की लंबाई की माप की यूनिट इकाई क्या है, इसका यूनिट होता है दोस्तों वीट होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज, टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को क्या कहते हैं, उस कोड को बोला जाता है आस्की कोड, ठीक है, ASCII कोड के रूप में जाना जाता है। इसको फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिएगा, एक्सटेंडेड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 42, हाँ यहाँ पे आस्की कोड की बात हो रहा है, तो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 46 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बीट नीडेड टू कोड 512 ऑपरेशन इज, 512 ऑपरेशन के कोड के लिए कितने बीट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आवश्यकता होती है आपका 512 के पावर होता है ना, 2n होता है, बराबर 512 हो जाएगा, तो 2n बराबर 2n हो जाएगा, ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 9 बिट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, आई, ये सभी एग्जाम्पल किसका है, ये सभी एग्जाम्पल आपका ई सेवाएं के है, ठीक है, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है होता है दोस्तों, ये सभी जो है ई कॉमर्स की जो है सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, वो कौन सा कंट्री है जिस कंट्री में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, उस कंट्री का नाम है दोस्तों आपका कौन सा, चाइना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चाइना है, उसके बाद भारत, देन अमेरिका, ब्राजील, जापान है, सबसे फर्स्ट में चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 52 नंबर क्वेश्चन, नेटस्केप नेविगेटर इज, नेटस्केप नेविगेटर क्या है वो आपको बताना है। नेटस्केप नेविगेटर ये आपका है दोस्तों वेब ब्राउजर है, कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे वेब सर्च इंजन लगा देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वेब ब्राउजर है, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर जो है आपका वेब ब्राउजर है, जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 53 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है वो आपका XML कोई वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों, नेटस्केप, नेटसर्फ एंड ओपेरा सभी वेब ब्राउजर है, बाकी XML ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज का कुछ पार्ट है दोस्तों XML। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन भाई, सफारी क्या है, सफारी सभी को पता होगा, सफारी के बारे में वाइक नहीं समझिए कि वाइक की बात हो रहा है, सफारी सब लोग कमेंट कीजिएगा, सफारी जो है एक आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा, एप्पल का जो है सफारी, एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है दोस्तों, जो कि एप्पल ने हाल ही में सफारी का नया संस्करण जो कि सफारी 4 भी लॉन्च कर दिया है, और इस ब्राउजर का नया नाइट्रो इंजन लगाया गया है दोस्तों, जो कि एप्पल के अनुसार यह ब्राउजर सबसे तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री इंसाइक्लोपीडिया रिटेन कोलेबोरेटिवली बाय द पीपल ऑफ पीपल हु यूज इट, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसके द्वारा उसका यूजर कर, यूज करने वाला उपयोग करने वाले लोग ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है, उस इंसाइक्लोपीडिया का नाम बताना है, उस इंसाइक्लोपीडिया का नाम है विकिपीडिया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि विकिपीडिया को 2001 में जिमी वेल्स और लेरी सागर के द्वारा शुरू किया गया था, यह एक मुफ्त वेब आधारित बहुभाषी बहुत लैंग्वेज में है दोस्तों, यह आधारित एक जो है विकिपीडिया है, और यह आपको बता दें कि दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं और लगभग 13 मिलियन देख लेख इसमें लिखे जा चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा है, और ये एक तरह का जो है
इंसाइक्लोपीडिया है, फ्री इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेज। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है? वो है आपका टेलनेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय। सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी एंड आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इन द सेंस, कहने का मतलब ये बहुत सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली का द्वारा आविष्कार किया गया दोस्तों, इन्वेंट किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने जो है 1889 में जो है किया था, और WWW पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि HTTP होता है, और TCIP प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसके जो है नियम पे जो है ये आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चूज वन आउट, यानी कहने का मतलब विषम को ऑड को पहचानना है, वो आपका हो गया HTML। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। HTML जो है दोस्तों, ये आपका जो है कंप्यूटर का एक भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जांपल आपको बताना है। कम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जांपल आपका मोडम है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर होता है दोस्तों, जिसके द्वारा हम लोग जो है डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, और मॉडेम कम्युनिकेशन डिवाइस का एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए आ ही गया यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन। मोडम स्टैंड फॉर, मोडम का फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मॉडेम द्वारा जो दोस्तों मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट दोनों काम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है, कंपलसरी है, वो आपको बताना है। वो आपका प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, उसको आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है दोस्तों। डॉस, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ये सभी जो है लोकप्रिय, बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, वो है आपका डॉस, OS2 एंड यूनिक्स, सभी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है आपका हैंडहुप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा। हैंडहुप एक जावा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, बाकी iOS, एंड्रॉयड, मैक OS ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हैंडहुप जावा ऑपरेटिंग का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड वन मेन, यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑड को पहचानना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो लिनक्स, विंडो 98 एंड विंडो 7, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। C++ क्या है, आप सभी को पता होगा C++ जो है आपका एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी ये सभी जो है आपका लिनक्स, विंडो 98, विंडो 7 या विंडो है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका ओपेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, बाकी सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 73 नंबर क्वेश्चन, बायोस व्हिच इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ PC इज स्टोर इन। बायोस जो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किसमें संग्रहित होता है, वो आपका संग्रहित होता है रोम में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। BIOS जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंक्रेंटली आर कॉल्ड, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग, एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। और एक होता है बैच प्रोसेसिंग, सभी के बारे में बता रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा। मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है दोस्तों, वो किसी भी एक कंप्यूटर पर, किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने की जो प्रोसेस होता है उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है पैरेलल प्रोसेसिंग प्रक्रिया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से कंट्रोल किया जाता है, वो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। और बैच प्रोसेसिंग जो होता है आपका एक समान इकट्ठा किया हुआ, एक जगह इकट्ठा किया हुआ फाइल को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को बैच प्रोसेसिंग बोला जाता है। आई थिंक इस तीनों को के बारे में आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सभी जो है एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मस्कट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मस्कट क्या है, शुभंकर क्या है। ये क्वेश्चन न जाने कितना बार पूछा गया है और बहुत बार इस चैनल पर करवाया भी गया है, कंफ्यूज ना होइएगा, पेंगुइन है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। यूनिक्स क्या है दोस्तों? यूनिक्स आपका क्या है, ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। यूनिक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स किसका एग्जांपल है? यूनिक्स आपका, सब लोग कमेंट कीजिएगा, ये है मल्टी यूजर एंड मल्टी फंक्शन ऑपरेटिंग। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको ये बताना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रणाली में कौन वो है जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कोबल, फोर्टन, पास्कल एंड लोटस। फटाफट से लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हो ना, तो लोटस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली में कोबल, फोर्टन एंड पास्कल ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कोबल, फोर्टन, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जो लोटस दिख रहा है ना फोर्थ ऑप्शन में, ये लोटस एक अमेरिकन कंपनी का एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, अमेरिका का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है लोटस, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है, वो कौन सा सेट है वो आपको बताना है। वो सेट है दोस्तों मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन पे आइए। फंक्शनल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज, कार्यात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है, कार्यात्मक भाषा के रूप में क्या जानी जाती है वो आपको बताना है। वो जाना जाता है दोस्तों नन प्रोसीड्रल लैंग्वेज, गैर प्रक्रियात्मक भाषा, जिसको नन प्रोसीड्रल लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन प्रोसीड्रल लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों जावा, सी तथा सी प्लस प्लस जो होते हैं, जैसे पारंपरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसका थोड़ा सा अलग ही रूल होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप लोग। असेंबलर का कार्य क्या होता है? कमेंट कीजिएगा। असेंबलर का जो कार्य होता है दोस्तों, वो होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कंट्रोल करने का, ठीक है। असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ज्यादा इसमें जोड़ देने वाली बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को है जो है मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन। इन असेंबली लैंग्वेज व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन कोड, अब असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे कुछ नहीं, निमोनिक्स का यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पे दोस्तों असेंबली भाषा में 0 से 1 की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे जाते हैं, जिसे यह आसानी से याद रखा जा सकता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो है इन असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन कोड, वहां पे निमोनिक्स का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, ये असेंबली लैंग्वेज इज, असेंबली भाषा क्या होती है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, बस वीडियो को टिल लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। असेंबली भाषा क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? ये आपका मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 88 नंबर क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को असेंबलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असेंबलर। आपको पता होना चाहिए असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है दोस्तों, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड से इनपुट लेकर मशीन कोड के रूप में आउटपुट देता है। और आपको पता होना चाहिए कि असेंबलर जो होता है उसका दो टाइप्स होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे सेल्फ असेंबलर एंड क्रॉस असेंबलर होता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सेल्फ असेंबलर जो होता है उसी मशीन पर रन होगा जहां ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया हो, और क्रॉस असेंबलर जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सभी डॉट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाज, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार करवाया गया है इस चैनल पे। वो होता है दोस्तों फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका होता है फोर्टन है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेज में ये जिसको जिक्र भी किया गया था, फोर्टन जो है फर्स्ट जो है ये आईबीएम उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय जो है आईबीएम कंपनी को जाता है दोस्तों, और इस कंपनी ने फोर्टन नाम का एक पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का जो है एक प्रोग्राम तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रहा है तो वो आपका होगा फोर्टन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और फोर्टन कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो है इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए जो है इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये बस आपको ध्यान में ये रखना है। ठीक है, फोर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज इज करेक्ट, उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है, सही है? तो वो स्टेटमेंट आपका होगा हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। क्या? हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर पर निर्भर करता है जो प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन पे आइए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, डेनिस रिची। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कब किया था दोस्तों, आपको बता दें कि सी लैंग्वेज का विकास डेनिस रिची ने बिल टेलीविजन प्रयोगशाला में 1972 में किया था। कब किया था? 1972 में किया था। और इसका उद्देश्य था कि यूनिक संचालन तंत्र का निर्माण करना। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द पॉइंटर आज यूज टू स्टोर ओनली द, पॉइंटर का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है, किसको करने के लिए किया जाता है? वो आपका एड्रेस वेरिएबल जो है करने के लिए किया जाता है पॉइंटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 96 पे आते हैं हम लोग, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जेम्स ए घोसलिंग, जेम्स ए घोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया गया था? ठीक है, डेवलप किया गया था। जेम्स घोसलिंग की बात जब भी आए दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर होगा जावा। ठीक है, जेम्स, जावा जेम्स एक होस्टलिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है, जबकि सी शार्प एक संगणकीय प्रोग्राम भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 97, विच कंपनी डेवलप्ड जावा, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था?
उस कंपनी का बात कर रहा है दोस्तों, जिस जिस कंपनी ने जावा को डेवलप किया था, वो कंपनी था आपका सन माइक्रोसिस्टम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये जो किया था 1995 में आई थिंक किया था, ठीक है 98 पे आते हैं। जावा क्या है दोस्तों, सभी को पता होगा जावा क्या है। जावा आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, वो किया था विलियम इथियोबन ने, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है भीवी स्क्रिप्ट, ध्यान से देखिएगा। भीवी स्क्रिप्ट जो होता है दोस्तों, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट की बात हो रहा है, भीवी स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है, वो आपसे पूछा जा रहा है। भीवी स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट की बात हो रहा है, तो ये जो है आपका भीवी स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट, ये दोनों क्लाइंट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कॉमनली यूज एब्रीविएशन एसक्यूएल इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर। एसक्यूएल का फुल फॉर्म, आई थिंक ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार करवाया गया और बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। करेक्ट आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों आपका डाटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 104 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू एसेस डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उस लैंग्वेज का नाम है आपका एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डेटाबेस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 105 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस द प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सच एज सीएसएस इज कॉल्ड, वह कंप्यूटर भाषा जो संचरित दस्तावेजों को प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जो सीएसएस कहलाती है। सीएसएस कहने का मतलब स्टाइल शीट लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एक कंप्यूटर लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस द प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सच एज सीएसएस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर शीट लैंग्वेज, उसको स्ट्रक्चर शीट लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर नहीं है वो आपका वर्ड प्रेस, आपका वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है दोस्तों, जिसकी मदद से हम लोग एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। उसमें चेंजेज, एडिटिंग, फिडेटिंग जो भी होता है वो सब कर सकते हैं, प्रिंट वगैरह सेव जो भी ऑप्शन होता है वो कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड ये सब आते हैं, लेकिन वर्ड प्रेस इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है, वो आपका किया जाता है प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मेल मर्ज इज ए कंपोनेंट ऑफ, मेल मर्ज किसका कंपोनेंट होता है दोस्त, वो होता है आपका एमएस वर्ड का होता है। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक कंपोनेंट है, जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय में अधिक लोगों को भेज सकते हैं। मेल मर्ज का मेन फंक्शनिंग है दोस्तों, वो नोट ऑन कीजिएगा, इसकी मदद से है जो हम लोग एक मेल को एक ही समय अधिक लोगों तक सेंड कर सकते हैं, और ये फंक्शन आपको एमएस वर्ड में दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, While editing a text document in MS Word, the combination key used for the copy and paste text are respectively। MS Word के text document को संपादित करते समय copy और paste करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजी का यूज किया जाता है, शॉर्टकट की बात हो रहा है। तो copy और paste के लिए तो आपका control C से copy होगा, control V से paste होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सभी का मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं, जो शॉर्टकट की कभी कभी एक दो क्वेश्चन दिख जाता है एग्जाम में, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट्स खोला जाता है, ठीक है। कंट्रोल एन,
कंट्रोल सी से जो है चाइनी डॉक्यूमेंट्स को उसमें जो है कॉपी किया जाता है, कंट्रोल ए से जो है उसको फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखा जाता है, सेव किया जाता है, और कंट्रोल जेड से तो पता है कि उसको अंडो किया जाता है, ठीक है, और कंट्रोल भी से जो है उसको पेस्ट किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कॉपी और पेस्ट, तो कंट्रोल सी से कॉपी हो गया एंड कंट्रोल भी से आपका पेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द वर्ड प्रोसेसर, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है, वो आपका शामिल है लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन भाई, यूजिंग द होम की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से वर्ड प्रोसेसर कर्सर को किसके प्रारंभ में पहुंचा देता है, वो आपको पहुंचाता है लाइन के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जैसे आपको क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से वर्ड प्रोसेसर को लाइन की के प्रारंभ में पहुंचा देता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 114 पे आइए, एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर, एमएस वर्ड का उपयोग मूलतः किया जाता है, बेसिकली इसका कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है आपका प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स को जो है बनाने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है, वो आपका होता है स्मॉलेस्ट तो 8 होता है एंड लार्जेस्ट में 72 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू मूव सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे, वहां पे चुना जाता है आपका कट एंड पेस्ट का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब मोहन करता हूं, 170 नंबर क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू सेव द डॉक्यूमेंट्स विद अ न्यू नेम, किसी डॉक्यूमेंट को एक नए नाम से सेव करने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो नए नाम का सेव करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा फाइल पे, उसको सेव एज फाइल करना पड़ेगा या फिर सेव एज क्लिक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर, संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की जो है शिफ्ट प्लस टैब किसके लिए प्रयोग होता है, शिफ्ट प्लस टैब आपका जो यूज होता है मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 120 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थीसर इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में थिसारिस जो कि शब्दकोश का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ थीसर की बात हो रहा है दोस्तों, एमएस वर्ड में तो इसका तो कुछ काम नहीं होता, चेंज वर्ड को जो है साइनोनिम में चेंज करता है, शब्द का उस पर्यायवाची शब्द में जो है चेंज करने का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन, ए करेक्टर दैट इज राइज द एबव वेस्ट लाइन एंड इट्स स्मॉलर इज नोन एज, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर या और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे कौन से एक्सटेंशन का यूज होगा दोस्तों, जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट लेता है, वो एक्सटेंशन आपका जो होता है ना वर्ड डॉक्यूमेंट का .doc होता है। ठीक है, .doc ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 125 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है, तो उस प्रकार उस टाइप का नाम है आपका .xls है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है, वो है आपका एमएस एक्सेल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 128 नंबर क्वेश्चन पे आइए,
Which of the following can be created in Excel? Excel में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? वो आपसे पूछा जा रहा है। एक्सेल में आपको बनाया जाता है दोस्तों बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सभी जो है बनाया जाता है। एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सभी जो है एक्सेल से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन। द इंटायर वर्कशीट इन एक्सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है? ये किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज इन एक्सेल। एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने की सबसे उसके लिए जो है दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की यूज होता है? चार्ट बनाने के लिए यूज होता है आपका एफ, हाँ F11। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। F11 में एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट को बनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इन्वेंट ईमेल। ईमेल का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये किया गया था दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ईमेल का आविष्कार किया गया था भीए शिवा यादुरई के द्वारा। भीए शिवा अदुरई के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। और ईमेल का आविष्कार मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले शिवे यदुराई के द्वारा किया गया था। जब इन्होंने ये आविष्कार किया था तब वे केवल 14 साल के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, रे सैमुअल टेमिनसन की बात हो रहा है दोस्तों। इज फेमस फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रे सैमुअल टेमिनसन जो है किसके लिए फेमस थे, किस चीज को डेवलप किए थे? ये आपको किए थे दोस्तों ईमेल का डेवलप किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, रे सैमुअल टॉमिनसन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने अपने अपार्टमेंट प्रणाली पर सबसे पहले ईमेल प्रोग्राम को डेवलप किया था। और यह पहली प्रणाली था जो अपार्टमेंट से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच जो है मेल को भेजने में सक्षम था। उन्होंने जो किया क्या था दोस्तों, उन्होंने अपने होस्ट मशीन के नाम से उपयोग के नाम की वो जो है अलग करने के लिए एट द रेट का यूज किया था। ठीक है, जो कि अभी भी जो है यहाँ पे करेंट टाइम में भी यूज किया जाता है एट द रेट। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता ब्लू स्टार एट द रेट मार्स डॉट ओ आर जी है, तो यहाँ पे मार्स डॉट ओ आर जी क्या दर्शाता है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों आपका सर्च इंजन, नहीं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डोमेन के नाम को। ठीक है, डॉट ओ आर जी, डॉट कॉम, डॉट ये सब जो है, डॉट इन, डॉट एनआईसी सब जो है ना, आपका जो है डोमेन के नाम को इंडिकेट करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल के पते का सही रूप में क्या, सही फॉर्मेट में क्या है? ये आपका जेई के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका सही फॉर्मेट है दोस्तों आपका शेल्स एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें ईमेल एड्रेस का सही रूप है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एक्स वाई जेड एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। ठीक है, एक्स वाई जेड एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, यहाँ पे सेल एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो ईमेल के पते का सही जो है उसी तरीका का ये फॉर्मेट है, रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन। एनिवल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। निवल किसके रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? निवल किसके रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। ये किया जाता है हेक्साडेसिमल के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निवल में 2 के पावर 4 यानी 16 वैल्यू हो सकते हैं, इसीलिए इसे हेक्साडेसिमल के रूप में प्रदर्शित भी किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे बढ़ते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन। व्हिच रैम इज क्रिएटेड यूजिंग मॉस ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉस ट्रांजिस्टर, ठीक है, कौन सा रैम मॉस ट्रांजिस्टर को बनाने में प्रयोग किया जाता है? उस रैम का नाम क्या है? उस रैम का नाम है डी रैम यानी डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम का प्रयोग प्रमुख रूप से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, जहां उसे लो कॉस्ट हाई कैपेसिटी मेमोरी की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 144 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केबल इंटरप्ट पिन इज 8085।
8085 में कौन सी मार्केबल इंटरप्ट पिन को प्रदर्शित करता इंडिकेट करता है? वो है आपका RST 7.5 एंड RST 6.5, यानी बोथ हो जाएगा ए एंड बी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरप्ट पिन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने प्रकार के इंटरप्ट पिन होते हैं? वहां पे यूज होता है दोस्तों टोटल आपका 6 होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कुल 6 पिन होते हैं, जो दोस्तों ट्रैप होते हैं, RST 7.5 होते हैं, RST 6.5 होते हैं, RST 5.5 होते हैं, एक इंटर होता है और एक इंटा होता है, यानी टोटल 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन। वर्क ऑफ होल्ड पिन इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, यहाँ पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर का होल्ड पिन का काम क्या है? होल्ड पिन का काम जो होता है दोस्तों, आपको क्या होता है, होल्ड पिन की बात हो रहा है ना, तो होल्ड पिन आपका होल्ड इंडिकेट दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग लोकल बस होल्ड, ये भी काम होता है। टू एक्नोलॉज होल्ड मस्ट बी एक्टिव, यहाँ पे सभी होता है दोस्तों। ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो है होल्ड पिन के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 151 नंबर क्वेश्चन। ए बायरस कैन, बायरस क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा, बायरस क्या होता है? बायरस आपका होता है इंक्रीज और डिक्रीज द बर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू। एक बायरस सीपीयू की शाब्दिक लंबाई को बढ़ा या घटा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। कंप्यूटर में बायरस का संबंध किससे है? ये प्रोग्राम से है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंप्यूटर वायरस इज, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक कंप्यूटर वायरस एक जो होता है दोस्तों, वो होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन रिप्लेस इटसेल्फ। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की पर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पेरिफेरल डिवाइसेज कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम टू ऐड फंक्शनली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिफेरल डिवाइसेज। परिधीय उपकरण की कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? वो पेरिफेरल डिवाइसेज नहीं है, वो पेरिफेरल डिवाइसेज नहीं है दोस्तों। वो आपका हो गया मदरबोर्ड, प्रिंटर। मदरबोर्ड जो है दोस्तों वो प्रिंटर जो, सॉरी यहाँ पे मदरबोर्ड जो है वो आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि मदरबोर्ड जो है परिधीय उपकरण पेरिफेरल डिवाइस नहीं है दोस्तों, यह कंप्यूटर की ही अंग है, ठीक है। जबकि अन्य जो ऑप्शन जो और तीन दिख रहा है ना, वो जो है पेरिफेरल डिवाइसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 388। द फिल इन ब्लैंक्स कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटी विच यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करने, मात्राओं के साथ जानकारी की संशोधित करने के लिए किया जाता है। वो किसका यूज किया जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका यूज होता है दोस्तों डिजिटल का, ध्यान रहे डिजिटल का। द डिजिटल कंप्यूटर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इट यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटी यूजुअली द बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। 389 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच अ वायरस कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस अपने कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, वो कौन सा है दोस्तों? उसका नाम है आपका क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड फाइल, पीडीएफ फाइल जो होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वे इन विच वायरस कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। आपको क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड फाइल पीडीएफ फाइल को जो है, वो जो है वायरस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, कोई संक्रमित नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर विटनेस्ड इज द अकर फॉर्म। वो कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जनरेशन था दोस्तों 1957 से 1962, ये जो टाइम था वो आपको सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर यहाँ पे यूज किया जा रहा था।
और वहां पे जो है द्वितीय सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के आधार पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का उपयोग किया जाता था। ठीक है, किसका? ट्रांजिस्टर डिवाइसेज का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर विटनेस्ड इन द ईयर फॉर्म। आपका कौन थर्ड जनरेशन का आपको ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, किस वर्ष जो है थर्ड जनरेशन किस वर्ष से किस वर्ष तक चला था। वो आपका है 1963 से 1972, ये जो है ये ईयर गैप, इन गैप के बीच में दोस्तों आपको थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू स्टोरिंग ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेल का। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है आपका ओरेकल RDBMS। ठीक है, ओरेकल RDBMS जो है दोस्तों, ये आपको RDBMS का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे, तो ये याद रखिएगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये टैली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है, टैली जो है अकाउंटिंग प्रोग्राम है, बाकी वो जो है आपका ओरेकल डेटाबेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच लॉ स्टेट दैट प्रोसेसर स्पेंड और ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर फॉर कंप्यूटर विल डबल एवरी टू ईयर। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक दो वर्ष पर दुगनी हो जाएगी, वो कौन बताता है, ये किसका लॉ है? ये आपका लॉ था दोस्तों, बहुत ही फेमस लॉ है, मूर लॉ। कौन सा? मूर का नियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले इस ट्रेड पर बारीकी से अध्ययन किया था, इस ट्रेंड पर, और यहां पे दोस्तों इनके द्वारा जो है ये लॉ को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is an example of open source software? निम्नलिखित में से कौन सा open source software का एक अच्छा example है, उदाहरण है? Open source software की बात हो रहा है दोस्तों, सभी लोग comment कीजिएगा, सभी question महत्वपूर्ण है, वीडियो को बस still last तक जरूर देखिएगा, और जो है वीडियो को जो है आप लोग लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करके सेशन कंटिन्यू प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लिवर ऑफिस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार भी किया जाता है? वो कोड है आपका ASCII कोड, ASCII कोड, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, बाकी जो है विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है, सुनिश्चित किया जाता है, वो आपको बताना है। वो किया जाता है आईपी एड्रेस से। ठीक है, आईपी एड्रेस ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। आईपी एड्रेस नेटवर्क और प्रत्येक कंप्यूटर का एक अच्छा इंडिकेशन एड्रेस की तरह बताता है दोस्तों। ठीक है, यह डाटा पैकेज को सक्षम करता है और विशेष प्राप्तकर्ता को संबोधित करता है, यानी एड्रेस को जो है बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता की बात हो रहा है दोस्तों, तो वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की हम लोग जब बात करेंगे तो वो करेक्ट आंसर होगा टेराबाइट। ऑप्शन के अनुसार टेराबाइट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अधिक संग्रह यानी सबसे बड़ा है जो ऑप्शन के अनुसार टेराबाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, वो आपको छाट के बताना है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों। तो आपका गूगल एंड मोजिला और नेटस्केप, जो ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ए जो है ये आपका कोई वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज भी वेब ब्राउजर है दोस्तों। यहाँ पे जब वेब ब्राउजर की बात हो रहा है तो गूगल कोई वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ब्राउजर को मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करना होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज टेम्पररी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। वो मेमोरी है दोस्तों बहुत ही चर्चित है, रैम मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को अस्थायी या स्थिर मेमोरी भी कहा जाता है, यह प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है दोस्तों, और इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1 GB इज इक्वल टू हाउ मनी MB, 1 GB इज इक्वल टू हाउ मनी मेगाबाइट इन बाइनरी सिस्टम। ये प्रीवियस क्लासेस में पूरा कन्वर्जन करवा दिया था दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन का 1024 होगा, ठीक है। 1 GB बराबर होता है दोस्तों 1024 MB होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु इन्वेंटेड द क्वार्टी स्टाइल मेथड ऑफ कीवर्ड यूजिंग द कंप्यूटर एंड ऑल्सो फॉर टाइप राइटर। कंप्यूटर पर टाइप राइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीवर्ड की क्वार्टी शैली किस विधि किसके द्वारा जो है आविष्कार किया गया है। उस इन्वेंशन जो किए थे दोस्तों उनका नाम था क्रियोस्टोफर लैथस सोल्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्रियोस्टोफर लैथोम सोल्स था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वार्टी कीवर्ड की बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द कीवर्ड और शॉर्टकट फॉर अंडो फंक्शन, अंडो फंक्शन के लिए शॉर्टकट कीवर्ड कौन सा है। अंडो के लिए तो कंट्रोल जेड है दोस्तों, बहुत सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, तो वह ये सब चीज कॉमन टर्म है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कट कॉपी पेस्ट का जो होता है, कंट्रोल भी क्या होता है पेस्ट होता है, कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल यू जो होता है अंडरलाइन होता है, और कंट्रोल जेड जो होता है अंडो के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 410 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है दोस्तों जो कि जिससे सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी अपना योगदान देकर अपने बेहतर बना सकता है। जैसे के लिए एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो बात हो रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वायरस कैन प्रोग्राम दैट हैज बीन रिटर्न टू इंटरफेस विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, विच ऑफ द विलो इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है, इनमें से कौन सा वायरस एक प्रकार नहीं है। वो आपका करेक्ट आंसर होगा डिस्क वायरस, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये ऐसा कोई वायरस नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैलिस्टो एमटी एरियल एंड सेंचुरी आर वेरियस टाइप ऑफ, कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं। करेक्ट आंसर होगा, ये एक फॉन्ट है दोस्तों, ठीक है, ये सब जो है आपका फॉन्ट है, कैलिवेरी जो है और कैलिस्टो एरियल ये सब फॉन्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट, इनमें से कौन इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, इनमें से कौन सा एक जो है इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। विच ऑफ दीज प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट, करेक्ट आंसर होगा आपका ISP, ठीक है, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पावर स्ट्रिप, पावर स्ट्रिप क्या है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करें, उसके बाद कमेंट करें,
क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी जो है इस सब क्वेश्चन को याद रहेगा लॉन्ग समय के लिए। और हो सके तो वीडियो को 2 से 3 बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा, ताकि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों को लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। पावर स्ट्रिप दोस्तों आपका ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो, क्योंकि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूज टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ वॉल आउटलेट इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ डिवाइसेज इट कैन बी अकोमोडेट। कहने का मतलब पावर स्ट्रिप जो है यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द इंसर्ट टैब ऑफ एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब को में मौजूद नहीं है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टेम्पोररली स्टोर डाटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या है। उस शब्द है दोस्तों आपका कैच डाटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग क्या उपयोग है। पिंग कमांड की बात हो रहा है तो पिंग कमांड भी होता है दोस्तों टू टेस्ट द एबिलिटी टू ऑफ द सोर्स कंप्यूटर टू रीच ए स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर में पिंग कमांड का मेन उपयोग है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इनपुट डिवाइस इज वाइडली यूज्ड इन टेस्ट सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर डू नॉट टच द पेपर व्हाइल प्रिंटिंग। दे यूज्ड केमिकल हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ईच द सिंबल ऑन पेपर। विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। उस प्रिंटर का नाम है दोस्तों आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट कैन सेंड और रिसीव पिक्चर एंड टेक्स्ट ओवर ए टेलीफोन लाइन बाय डिस्टिंग्विश एन इमेज। इनमें से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और पाठ को भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है। वो है आपका क्या आंसर होगा फैक्स मशीन। ये काम किसका है फैक्स मशीन का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अमंग द मेन एजेंसी विच इज इन्वॉल्व इन स्टोरिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड गेन इन उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा मुख्य एजेंसियां में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। उस एजेंसियां का जो है दोस्तों एफडीआई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात हो रहा है तो आपका करेक्ट आंसर होगा रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस सच एज कॉन्फिडेंशियली डाटा इंटीग्रिटी एंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड डाटा ऑरिजिन ऑथेंटिकेशन इज कॉल्ड। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता डेटा अखंडता इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीक का उपयोग क्या कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है वो आपसे पूछा जाता है। उसे बोला जाता है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 427 जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आइए। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट जो होती है वो कितने के बराबर होती है। पूरा कन्वर्जन आप लोग को करवाया गया है
अगर प्रीवियस अगर इस चैनल का लगातार व्यूअर होंगे तो आपको इस सभी क्वेश्चन का आइडिया हो गया होगा। वैसे इस क्वेश्चन का 1024 के भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा कि 1 निवल बराबर 1 बीट होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर 4 वाइट लगा देते हैं। 1 निवल बराबर 4 बीट होता है, याद रखिएगा, और 1 वाइट बराबर 8 बीट होता है। ये दोनों अक्षर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? उसका इकाई होती है दोस्तों वाइट होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको मध्यम माध्यम की क्षमता की इकाई बात हो रहा है तो वाइट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सबसे लोवेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ये करता है डिजिटल कंप्यूटर पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 430 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम अक्षेस जो है एक्सेस समय है, कम एक्सेस समय वाले मेमोरी की बात हो रहा है दोस्तों, तो वो आपका होगा कैश मेमोरी। ठीक है, और सबसे फास्ट भी होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे तेज मेमोरी भी है दोस्तों, और ये आपका सबसे फास्ट, सबसे कम एक्सेस समय में करता है, यानी सबसे फास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर। एड्रेस लाइन यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मेमोरी की क्षमता कम होती है तब तो वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वो आपका होगा फोटन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फोटन कहने का मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये एक वैज्ञानिक यानी कंप्यूटर भाषा है, और कोबल जो है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर की व्यावसायिक भाषा है। और बेसिक जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिएगा, बिगनर ऑल पर्पस सिंबोलिक कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। कंप्यूटर की माउस जो है, दोस्तों इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करते हैं? सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें, जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, और एटलीस्ट लास्ट में शेयर जरूर कीजिए करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों शेयर और लाइक कीजिएगा तभी जो है आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए आप फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फाइल को, किसी भी फाइल को प्रिंट देने के लिए फाइल के प्रिंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड आपका जो एग्जाम्पल है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? डाटा को बदलना होता है सूचना में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में। डाटा को जो है इधर से सेंड किया गया, सॉफ्टवेयर जो है उसको कंट्रोल करता है, और सूचना जो है उसको जो है उसके बाद सूचना को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र से में उपयोगी है? फोर्टन की बात हो रहा है दोस्तों कंप्यूटर भाषा में, तो ये जो है विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है, फोर्टन का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, जो कि वैज्ञानिक गणनाओं के लिए ये जनरली जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा का कोबल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबल जो है किसके लिए उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा व्यावसायिक कार्यों के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोबल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जो कि व्यावसायिक और फाइनेंस ये सब लोगों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है?
इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दोस्तों TCP/IP होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। कंफ्यूज ना होइएगा, कभी कभी ये सभी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपाइलर है, कंपाइलर आपका क्या है? कंपाइलर आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का विभाग है, और हाई से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोटन का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का, मैं अभी जस्ट ही बताया हूं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? कंप्यूटर का सभी हार्डवेयर की जांच जो है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? वो हार्डवेयर का जांच किया जाता है बायोस के द्वारा, ठीक है। बायोस कहने का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सिस्टम जो होता है दोस्तों, यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है, तथा कंप्यूटर स्टार्ट करने पर सबसे पहले बायोस इनिशियलाइज होता है, यानी शुरू होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती है दोस्तों? 26 होती है, 26 होती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 वर्णमाले होते हैं, तथा कीबोर्ड की समानता 102 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपका बग का मतलब क्या होता है? बग की मतलब हो रहा है दोस्तों आपका कंप्यूटर में त्रुटि, एरर जो होता है उस चीज को बग। में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? उसका नाम क्या दिया गया था दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। उसका नाम जो दिया गया था वो था परम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। परम 800 था दोस्तों, 8000 इस सीरीज था, ठीक है। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जो कि सिडक के द्वारा 1990 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTP, ठीक है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। आई थिंक इस क्वेश्चन का सभी को पता होगा, वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ये जो है, इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? जो रेगुलर व्यूअर होंगे इस चैनल को, ये सभी क्वेश्चन आप उन लोगों को पता होगा। कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो वो है प्रकार आपका .xls होता है, ठीक है, .xls। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एक्सेल का एक्सटेंशन जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। एमएस वर्ड कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, बट यहाँ पे लिनक्स, एमएस डॉस, यूनिक्स ये सब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइसेज नहीं है? वो आपका है प्रिंटर। प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइसेज नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेज है जो आपका आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब जो होता है, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक, ऑप्टिकल रीडर, ये सब जो होता है, कैमरा, माइक, एसपी जो होता है, ये सब जो होता है
आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट में तो अलग ही होता है वो सब, जो ऑलरेडी ऐसे भी जो है करवाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इन प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा बरग्रुप का नाम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आईपी एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों अद्वितीय यानी यूनिक होते हैं दोस्तों, और आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है और यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसके इसके इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की एक लेप लगाई जाती है दोस्तों, जिसे डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यवत संबंध है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर में केस होता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अविष्ट है? वो होगा आपको एडा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एडा अड्डा कुछ बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज पास्कल में प्रयुक्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, जो कि रक्षा एप्लीकेशन के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, बाइनरी में होता है, जीरो और वन से मिलकर के होता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होती है दोस्तों, और बाइनरी संख्या जीरो तथा वन से मिलकर के बनी होती है, और बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर है आपका सीडी रोम। सीडी रोम यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह एक हार्डवेयर होता है जो सीडी रोम में डाटा का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके दोस्तों। और जो लाइक नहीं किया एटलीस्ट लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करके ये सेशन कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? ये है दोस्तों आपका चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित ईपीएफ नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी पीपीटी एफटीपी यूआरएल ये सभी जो कंप्यूटर्स का ये सब संबंधित है, उसके रिलेशन में है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी भी कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी आपको कहलाता है रोम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और सभी लोग कमेंट करें, किसी भी कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका पूरा वो जो डॉक्यूमेंट्स को जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? वैसे सभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन करवाया गया प्रीवियस क्लासेज में, इसका सम जो है आपको बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव में बात हो रहा है दोस्तों, डेसिमल में बात हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1 × 2³ कर देना है। उसी तरीका से 1 × 2² कर देना है, लिखा नहीं रहा यहाँ से प्रॉपर। फिर क्या करना है, जीरो है ना ये लास्ट डिजिट, 0 × 1² कर देना है,
जीरो गुने वन, सॉरी यहाँ पे टू के पावर वन होगा, एंड वन गुने टू के पावर वन, सॉरी जीरो होगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3। इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 आएगा, प्लस 0 आएगा, प्लस 8 आएगा, या टोटल ऐड कीजिएगा तो 11 आएगा, और इसका बेस जो होगा दोस्तों आपका 10 होगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, ये सभी करवाया गया है, रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप लोग को पता होगा, 1 किलोबाइट में जो होता है आपका 1024 मेगाबाइट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि ये सब का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है ई सेवाओं के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए किया जाता है, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईपी कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण रूप क्या है, आईपी का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, आईपी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और अक्सर जो पूछा जाता है, एक दो मैं और भी बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नोट ऑन कीजिएगा, एनआईसी भी पूछा जाता है, नेशनल इंटरफेस कार्ड होता है, ISDN का भी पूछा जाता है, रेलवे JEE में भी पूछा गया था, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, ठीक है, URL तो पता ही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, HTTP भी पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और WWW का तो पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, सभी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था, भारत में प्रथम कंप्यूटर आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था, ये 1995 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, वो है होगा अलाइनमेंट, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसे आप अपने प्रोजेक्ट बताते हुए एमएस वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट में, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ठीक है, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या होता है, ISDN दोस्तों ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को, यानी DSL का यूज होता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी कोटि बायोश की सर्वोत्तम परिभाषित करती है, बायोश बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, यह है आपका फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर आपको पता होना चाहिए, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों, और यह एक फर्मवेयर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज क्या कहलाती है, ये सभी जो है डिस्प्ले डिवाइसेज कहलाती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, स्क्रीन या मॉनिटर डिस्प्ले डिवाइसेज है जो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ई प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है, ई प्रोग्राम का पूरा नाम है इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोग्राम का पूरा नाम इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपका है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड फोटोशॉप, सभी है दोस्तों सॉफ्टवेयर, और यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें, कीबोर्ड का प्रकार होता है, कीबोर्ड का क्या क्या प्रकार होता है दोस्तों, कीबोर्ड का प्रकार होता है सीरियल कीबोर्ड एंड पैरेलल कीबोर्ड, दो टाइप के होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी। सीरियल कीबोर्ड में दोस्तों यह कीबोर्ड सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली कीबोर्ड है जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, एंड पैरेलल कीबोर्ड जो होता है इनमें कई प्रकार के अलग अलग ग्रुप में होते हैं वो की होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सीरियल कीबोर्ड एंड पैरेलल कीबोर्ड ये दोनों टाइप्स है कीबोर्ड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर किसका उदाहरण है दोस्तों? ये सभी जो है करे टू, करे एक्स एम एपी 24, थियानी तीन है टू, ये सभी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और आपको बता दें कि क्रे जो है यह एक सुपर कंप्यूटर जिसे 1985 1985 में क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था और इसकी उच्च क्षमता जो था 1.9 जी फ्लॉप्स है, ठीक है। और क्रे एक्स एम पी 24 जो है यह भी एक सुपर कंप्यूटर है जो कि 1983 से 85 के बीच का सबसे तेज कंप्यूटर है, जो है 83 और 85 में ये बना था, ठीक है। और इसकी अधिकतम क्षमता 200 एम फ्लॉप्स है, ठीक है, एम एफ एल ओ पी एस। एंड तिन्हे टू जो है यह एक चाइनीज सुपर कंप्यूटर है जिसमें अधिकतम क्षमता 33.86 फेटा फ्लॉप है, ठीक है, पेटा फ्लॉप, ठीक है। और अतः यह हम लोग कह सकते हैं कि सभी जो है आपको सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग दोस्तों 6 होते हैं, ये सभी करवाया गया है। जैसे सीपीयू होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, मेमोरी यूनिट होता है, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, यानी टोटल मेन जो भाग है वो आपका 6 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मेमोरी कंप्यूट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है? निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है? वो करता है सीपीयू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण क्या है? इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण आपका है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सभी जो है आपका इनपुट डिवाइसेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर आपका पेंटियम प्रो एंड पेंटियम टू एंड थर्ड एंड पेंटियम टू, यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का यह भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी जो है उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर का टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पीडीपी 8, ठीक है। पीडीपी 8 यह एक डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में बनाया गया था दोस्तों, और यह एक पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। और बता दू ईनियाक जो है यह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यह जो है पहला कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर था। और आपको बता दें कि EDVAC जो है आपको EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे पूर्ववर्ती ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया गया था, यह सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इनपुट डिवाइसेज यह एक विद्युत यांत्रिक जो है युक्ति है दोस्तों, जो डेटा का अनुदेश को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर प्रयोग लायक बनाता है। और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टच पैड, ये सभी इनपुट डिवाइसेज है। और प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोटस, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रणाली में कोबल, फोर्ट्रान तथा पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, लेकिन लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 487 जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। एक समान त्रुटि पता करने की कोड सीआरसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सीआरसी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो होता है इसका प्रयोग एम्बेडेड नेटवर्क और अन्य एप्लीकेशन में डेटा के अकस्मिक परिवर्तन की वजह का पता लगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह सोशल साइट पे शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचता रहे।
ठीक है। और क्लासेस का पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये जो आपको स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम वेबसाइट जो दिख रहा है ये वेबसाइट को नोट ऑन कर लीजिए और गूगल में सर्च करके स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां से फ्री में क्लासेज का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।